हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट में पैरोल की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की शर्त पर फिर से उसे बाहर आने की इजाजत मिल गई है। अब हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पार्टी ने मांग की है कि आचार संहिता के दौरान उसे पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें लिखा गया है, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बीजेपी शासित हरियाणा सरकार राम रहीम को पैरोल देने जा रही है। राम रहीम को अगर पैरोल दी गई तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान से पहले वह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे धार्मिक उपदेशक के रूप में बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। इस संबंध में उसका पिछला रिकॉर्ड जगजाहिर है। इतना ही नहीं, पत्र में आगे लिखा गया है, इसलिए अनुरोध है कि कृपया एक उचित आदेश पारित किया जाए, आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती। दरअसल गुरमीत राम रहीम यौन शोषण और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। अभी वह रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है। हरियाणा चुनाव के बीच उसने 20 दिन की पैरोल मांगी थी। चुनाव के लिहाज से राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिलों में काफी प्रभाव है, जहाँ कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम बीते 7 साल में करीब 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। इससे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैरोल को लेकर भी सवाल पूछे थे। सरकार से ये पूछा गया था कि चुनाव के समय किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है। फिलहाल देखा जाए तो राम रहीम को पैरोल मिलने के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख किया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कांग्रेस के कहने पर, क्या कांग्रेस की मांग पर अब राम रहीम का पैरोल रद्द कर पाएगा। लाल किले इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।